इस वक्त सुबह के 5 बज चुके हैं और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज बाबा महाकाल की नगरी में उनके दर्शन हेतु यहाँ पे बुलावा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ का, क्योंकि कल रात थोड़ी बारिश भी हुई है तो ठंडक काफ़ी है, बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाकाल जी के दर्शन के लिए। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं महाकाल मंदिर कॉरिडोर के अंदर कुछ ऐसी कलात्मक कलाकृतियाँ जो मन को मुक्त और भक्तिमय कर देती हैं और इन कलाकृतियों को इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया है कि देखने वाला भी इसमें विलीन होकर अपनी दृष्टि की सृष्टि में खो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है और उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया है, यहाँ आने का एक सुनहरा अवसर दिया है। और यकीन मानिए, इस सुंदर परिसर में पहुंचकर जो अनुभूति होती है उसे केवल महसूस किया जा सकता है, शायद इसे शब्दों से बयां कर पाना संभव नहीं है। यहाँ की प्रत्येक दीवारें जीवांत नजर आती हैं, अब वो बेजान नहीं रही, अपने किसी कालखंड की उस घटना का वर्णन चीख चीख कर करती हुई नजर आती हैं, जिन्हें हम सदियों से धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं। और यही कला की शक्ति है कि वो देखने वाले की दृष्टि के अनुसार उसकी एक सृष्टि का निर्माण कर देती है और आपके मन को शांति का एहसास कराती है, आपको संतुष्टि प्रदान करती है। शायद इसलिए ही कला सर्वश्रेष्ठ है, कला अद्भुत है, कला आध्यात्म है और भगवान के अत्यंत निकट है और कला इस संसार में व्याप्त भगवान के हर एक रचना का बारीकी से अध्ययन करने का साधन है। रोजमर्रा के भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर एक बार जरूर आइए और इस परिसर में अपने कुछ जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षणों को व्यतीत करिए, तो आपको एहसास होगा कि भगवान भोलेनाथ ने ही अपने मार्गदर्शन में हम सभी भक्तगणों के लिए इस मनोरम परिसर का निर्माण कराया है। कलात्मक दृष्टि के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी यह परिसर अत्यंत उत्कृष्ट एवं मनमोहक है। हिंदू धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों के अनुरूप यहाँ के हर एक व्यक्ति में चित्रण को उकेरा गया है और कलाकारों द्वारा इस चित्रण में सजीवता लाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको वही दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अनुभूति मुझे इस परिसर में पहुंचकर हुई और मेरा ये छोटा सा प्रयास उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें अब तक इस मनोरम परिसर के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। तो एक बार जरूर जाइए और महसूस करिए भगवान भोलेनाथ के उस परिसर को। जय महाकाल, जय जय महाकाल।